Hello, welcome to my channel Success Planet by Anjali 2.0. Today I will explain how to compare the development between different countries. इसके बारे में मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ कि जैसे स्टेट्स को कंपेयर किया था इनकम के बेसिस पर, उसी तरह से कंट्रीज को भी इनकम के बेसिस पर कंपेयर किया जाता है. अब व्हाट इज़ द इनकम ऑफ अ कंट्री? इनकम ऑफ ऑल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री इज कॉल्ड द इनकम ऑफ द कंट्री. ओके, तो जो यहाँ पे रहने वाले लोग होते हैं उनकी जितनी इनकम होती है उस इनकम को ही नेशनल इनकम कहा जाता है या उसी को इनकम ऑफ द कंट्री बोला जाता है. इसको फाइंड आउट करने के लिए एवरेज इनकम फाइंड की जाती है. एवरेज इनकम इज़ द टोटल इनकम डिवाइडेड बाय कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन. इट इज़ नोन एज पर कैपिटा इनकम ऑल्सो एंड इट इज़ पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड बैंक थ्रू वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट. वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट बिलीव दैट हायर द पर कैपिटा इनकम ऑफ अ कंट्री इंडिकेट्स हायर लेवल ऑफ द डेवलपमेंट. सो इन दिस क्राइटेरिया वर्ल्ड बैंक क्लासिफाइड द कंट्रीज इन थ्री कैटेगरीज. फर्स्ट, रिच कंट्री विच पर कैपिटा इनकम इज $12,736 एंड लो इनकम कंट्रीज विच पर कैपिटा इनकम इज $1,048 एंड थर्ड इज बिटवीन इन टू टाइप्स ऑफ कंट्रीज. तो ये यहाँ पर जो वर्ल्ड बैंक थी उसने थ्री कैटेगरीज में कंट्रीज को डिवाइड कर लिया या क्लासिफाइड कर लिया, जिसमें रिच कंट्रीज में जिनकी पर कैपिटा इनकम $12,736 थी, इसमें USA, UK, डेनमार्क और जापान और सिंगापुर जैसी कंट्रीज आती हैं, और लो इनकम कंट्रीज में जिनकी जो $ में उनकी पर कैपिटा इनकम है वो 1045 रुपीस है. ओके, और इंडिया कहाँ पर है? इंडिया इन दोनों के बीच में है, यानी कि उसकी पर कैपिटा इनकम जो है वो $ में 1,848. ओके, तो यहाँ पर इंडिया जो है ना तो लो इनकम कंट्रीज़ में इंक्लूड हो रही है ना रिच कंट्रीज़ में इंक्लूड हो रही है. तो इस तरह से ये तो एक क्राइटेरिया बता दिया गया इनकम के अकॉर्डिंग. अब हम यहाँ पर क्या ये कह सकते हैं, क्या लिमिटेशंस हैं इस क्राइटेरिया की, कि एवरेज इनकम के अकॉर्डिंग क्या हम सही सही बता सकते हैं कि कोई भी कंट्री सही एवरेज उसका आ रहा है या सही लेवल पर है या नहीं? तो इसके लिए आप एक कंपैरिजन और अपनी बुक में देख सकते हैं कि यहाँ पर टू कंट्रीज़ का कंपैरिजन दिया गया है जिसमें फोर पर्संस की पर कैपिटा इनकम बताई गई है रुपीज़ में. जैसे कि फर्स्ट कंट्री एक्स कंट्री है, उसके फर्स्ट जो पर्सन है उसकी सैलरी 12,000 समथिंग है, सेकंड पर्सन की 11,000 समथिंग है, थर्ड पर्सन की 11,500 है और फोर्थ पर्सन की 12,500 है. तो इसका जब हम एवरेज निकालते हैं तो वो एवरेज आता है 11,750. और दूसरी जो वाई कंट्री है उसमें फर्स्ट पर्सन की सैलरी जो है वो लगभग 500 रुपीज़ है पर कैपिटा इनकम जिसे बोलेंगे, सेकंड पर्सन की 600 है, थर्ड पर्सन की 550 है और फोर्थ पर्सन की 48,350 है. तो इसका जब एवरेज निकला तो वो एवरेज हुआ 12,500 समथिंग. तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर कुछ लोग थे जो बहुत ही लो जिनकी पर कैपिटा इनकम थी, कि मतलब 100 में थी, 500, 600 समथिंग, और एक व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा 48,000 समथिंग जिसकी पर कैपिटा इनकम है. तो इस तरह से ओनली इनकम के अकॉर्डिंग अगर हम कहें कि कोई भी कंट्री जो है वो रिच है या लो इनकम कंट्रीज़ है, तो वो सही नहीं कहा जा सकता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक व्यक्ति, जैसे कि आप किसी भी कंट्री में देख लीजिए, जैसे अपने वहाँ ही है, अपने वहाँ जैसे टाटा बिरला है या कोई भी अंबानीज हैं, इनकी जो पर कैपिटा इनकम होगी वो करोड़ में लाखों में होगी,
और जो सेलिब्रिटीज़ हैं इनकी भी जो इनकम होती है वो भी काफ़ी होती है, लेकिन क्या एक वेंडर की भी या रिक्शा पुलर की या किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन वर्क करने वाले जो मजदूर होते हैं उनकी क्या इतनी इनकम होती है? तो इस तरह से जो पर कैपिटा इनकम है वो सही सही इंडिकेट नहीं करती. सो वी कैन से दैट एवरेज इनकम नॉट टेल हाउ द इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल्स. एंड द अदर वर्ड एवरेज इनकम आर गुड फॉर कंपेरिजन बट हाई डिस्पैरिटीज दे डिड नॉट शो रियलिटी. मीन्स कि जो एवरेज इनकम होती है वो कंपेरिजन के लिए तो बहुत अच्छी है, लेकिन इससे जो उसकी डिस्पैरिटीज होती हैं वो छुप जाती हैं, हाइड हो जाती हैं. कैसे कि किसी की इनकम बहुत ज़्यादा है, किसी की बहुत कम है, कोई बहुत अच्छी लाइफ जी रहा है और किसी की लाइफ बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है कि वो अपनी बेसिक नीड्स को भी पूरा नहीं कर पा रहा है. तो ये कहना कि हम केवल इनकम के बेसिस पर किसी भी कंट्री को अगर कंपेयर करें तो सही होगा, ये गलत चीज़ है. इसलिए ये इसकी एक लिमिटेशन में आ जाती है. अगर कभी आपसे एवरेज इनकम की लिमिटेशन पूछी जाए तो आप ये बता सकते हैं कि इससे बिल्कुल सही सही जानकारी मतलब रियलिटी नहीं पता चलती है, क्योंकि हर एक व्यक्ति की जो इनकम होती है वो पूरी कंट्री में सेम नहीं होती है. ओके, इसके लिए नेक्स्ट जो कंपेरिजन होता है वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो सकता है, लिटरेसी रेट हो सकता है, जिससे पता चल जाएगा कि कंट्री में सही में डेवलपमेंट है या नहीं है. आई थिंक मुझे लगता है आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा. और सभी को समझ में आ गया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है, और लाइक ज़रूर करें तथा कमेंट भी करें. थैंक यू.